हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रही हैं सुबह के 11 और आज हम लोग लेट उठे थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल वाले व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश तो ज़्यादा इतनी नहीं हुई थी, सॉरी, पर बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही थी। इतने बादल गरज रहे थे, यानी इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और बारिश, लाइट्स भी चली गई थी, सोलर प्रसिटी है वो यूज़ करते हैं, तो इसी की वजह से रात तक वो बेचारा चला, थोड़ी देर तक, जितनी भी बजे तक चलना था, लगभग 12 बजे तक तो चला अच्छे से। फिर टिट करता हो गया था, पूरा दिन लाइट्स नहीं थी ना, और शॉप पे एसी वगैरह सब चलते हैं उससे। फिर रात को 2 बजे ऐसी कुछ लाइट आई, तब हम सोए और आज उठे भी लेट हैं, सब काम भी लेट हैं। और अभी हो गई है घर में स्टार्ट दिवाली की सफाई, तो अभी हो रही है भगवान वाले रूम में दिवाली की सफाई। एक भैया आए हैं जो सफाई करने में हेल्प कर रहे हैं, तो अभी हम सफाई कर रहे हैं भगवान वाले रूम में। आज मैं शॉप पर लेट जाऊंगी क्योंकि सफाई को छेड़ दिया गया है। अभी चल रही है घर में सफाई, आपको माहौल दिखाती हूँ घर का। ये सिर्फ भगवान वाला रूम बिखेरा किया है और ये रूम पूरा खाली है। वो रूम पूरा खाली कर दिया है, वहाँ पे सफाई हो रही है, दीवारें वगैरह सब अभी धुलेंगी। और ये भैया आए हैं, वो कर रहे हैं, और हम खाना भी बना रहे हैं, साथ साथ में हेल्प भी कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, और खाना वगैरह भी बन रहा है। खाना वगैरह पूरा बना देते हैं। साफ़ सफाई का काम ये हो रहा है, अंदर मंदिर में साफ़ सफाई हो रही है, सारी चीज़ें संभाल दी हैं। यहाँ की भी हालत आप देख सकते हो। अभी ये पटिया जाएगा इस बेड के ऊपर, तो ये मैं और मम्मी अभी रख देते हैं। अभी आया है जस्ट एक पार्सल, तो उसको करेंगे हम अनबॉक्स। ये पार्सल आया है, अब इसके अंदर क्या निकलता है क्या पता। है कटर वटर कुछ है भाई, है कटर, क्योंकि मैंने ही रखा था इसलिए मुझे पता है। असल में आए हैं ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स में अब क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आमंड्स, कैलिफोर्नियन आमंड्स, ये सॉल्टेड पिस्ता, ये अनसॉल्टेड काजू, ग्रीन किशमिश, कैलिफोर्नियन आमंड्स, पकड़ो कुछ को मंगड़ दी दो। ये है अखरोट, ये काजू, ये और ये पिस्ता सॉल्टेड, और ये अंजीर। अभी कुछ दिनों से चिकू को हम सबको ड्राई फ्रूट्स खाने का चस्का चढ़ा। अभी कुछ दिन पहले और आए थे, अभी और आ गए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स का हो गया फुल स्टॉक, और पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब इसको इनके ठिकाने लगा देती हूँ और हम करते हैं सफाई। अभी हो गई है इस रूम की पूरी तरीके से साफ़ सफाई, और अंदर मंदिर की साफ़ सफाई चल रही है। वो भैया तो करके गए, पर जो मेन फिनिशिंग है वो मम्मी दे रहे हैं। पूरा मंदिर खाली कर दिया था, और ये मंदिर का सारा सामान है, बाकी सब तो जम चुका है, पर मंदिर का सामान जमाना बाकी है, क्योंकि ये सारा सामान तो मम्मी जमाएंगे, और मम्मी के हिसाब से सब सेटल करेंगे। बाकी ऊपर वगैरह रखने वाला सामान तो रखवा दिया है, और अब हम चलते हैं शॉप पर, क्योंकि थोड़ा देख कर आ जाते हैं। 4:17 तो हो गई है वैसे भी, पर 1-1.5 घंटा रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अपन ने बना लिए थोड़े से बाल वाल, ये फ़ोन, और ये इधर पर्स। अब चलते हैं शॉप पर। मौसम भी काफ़ी सुहावना हो गया है, पर उसके ही साथ है बहुत ज़्यादा गर्मी। आई थी शॉप पर और 1-2 घंटे हुए बैठी हूँ, और अब वापस से जाना है घर, क्योंकि 6:30 हो चुकी हैं। खाना वगैरह बनाना है और मंदिर वगैरह फिर से जमाना है। मम्मी और हम दोनों मिलकर अभी जाके मंदिर जमाएंगे। खाना भी एक बार बना दूंगी, फिर जमाएंगे मंदिर। तो अभी चिकू को बुला दिया है, चिकू आ जाएंगे लेने के लिए, फिर चलते हैं घर पर। और बस आज का दिन पूरा बहुत ज़्यादा बिजी निकला है, अब आगे देखते हैं कैसा निकलता है। सब्जी यहाँ पर हमारे बन चुकी है, आज बनाई है फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी।
जो कि मम्मी ने बनाई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ऐसा दिख रहा है, और बनी भी होगी क्योंकि मम्मी ने बनाई है इसलिए। और अभी बना रही हूँ मैं रोटियाँ। कैमरे की बैटरी लो हो गई है और मैं भी अभी खाना वगैरह सब कंप्लीट बन चुका है तो अब खाना खा लेते हैं। मम्मी और दोनों का ही खाना बाकी है, पापा और चिकू ने तो खा लिया है, तो बैटरी को रख देती हूँ चार्ज पे। अब मैं खा लेती हूँ खाना, खुद को भी चार्ज कर देती हूँ और कैमरे को भी। खाना वगैरह सब खा लिया है मैंने अभी, और 9:30 बजी हैं तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना रूम में थोड़ी, तो अभी 9:30 बजी हैं, मैं हो चुकी हूँ फ्री। मेरे यहाँ पे दांत में कुछ चुभ रहा था, मैंने कहा मेरे को सुई क्यों चुभ रही है अंदर ही, चमड़ी के ऊपर तीखा लगा है ना। हाँ, नहीं वो होगा सब्जी में कुछ आया होगा। अरे हाँ वही धनिया वाला तीखा दिखा। तो अभी बज गई है 9:30 और मैं हो चुकी हूँ फ्री। तो मैं सोच रही हूँ ना रूम में थोड़ी सी साफ सफाई कर दूँ। मैंने आपको रूम अभी तक इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी तक पूरी कंप्लीट साफ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो हमारे रूम में जो पत्थर के खंड बने हुए हैं वो सारे अच्छे से जमाए हैं और कुछ तो बाकी भी हैं, जब कंप्लीट पूरा जम जाएगा फिर बताऊंगी। और दिवाली की सफाई हो चुकी है स्टार्ट, और अभी एक रूम तो हो गया है, चलो धीरे धीरे अब रोज़ रोज़ हो जाएगा। और नवरात्रि के बाद फिर मेरा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए नवरात्रि से पहले ही हो जाए सफाई तो काफ़ी अच्छा है। और नवरात्रि में हमारे ऐसा है ना, दिवाली पर सफाई हो या ना हो नवरात्रि से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन हम माता जी की पूरी पूजा करते हैं, अखंड ज्योत रखते हैं, ये सब चीज़ें रहती है, तो ये हमारे लिए दिवाली जैसा ही बड़ा त्यौहार हो जाता है। तो हमारे घर में ही माता जी विराजित हैं ऐसा है, तो ये सब चीज़ें होनी काफ़ी ज़रूरी समझती हूँ मैं, क्योंकि दिवाली से नवरात्रि से पहले तो सफाई हो ही जानी चाहिए। मंदिर की तो हो गई है, घर में चलती रहेगी वो कोई टेंशन नहीं है, पर मंदिर की मेन हो गई है आज। अभी मैं सोच रही थी सफाई करूँ, फिर मैंने सोचा यार पूरा दिन थक गई हूँ क्या, सफाई करूँगी। और आज मेरे साथ ऐसी ज़ोरदार चीज़ ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। और मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस चीज़ से। मैं जैसे ही शॉप से आई थी यहाँ पर आके बैठी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये गोपू की बैटरीज चार्ज हो रही हैं, और जब मैं आई थी ऐसे ही चार्ज हो रही थी बिल्कुल, और मैं यहाँ पर इसी कंडीशन में आके बैठी और ऐसे हुआ, और मैंने यहाँ से वायर खींचा कि मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा, यूँ करके मैंने ये यहाँ का वायर नहीं खींचा, सॉरी ऐसे करके ये ऐसे खींचा, हाँ अभी भी लग गया। तो ये ऐसे आके इधर लगा है ना मुझे, यानी क्या कहूँ मैं, बात जाने दो। और इतना गुस्सा आया ये मुझे जब माथे पे लगा, तीखा इस जगह पे लगा और अभी थोड़ा सा आगे धीरे से गिरा, इसलिए क्योंकि ये अभी तो मेरे हाथों से ही गिरा है। वो अचानक गिरा ना, मुझे इतना करंट आया और इतना मुझे रोना आया, मैं रोई 2 से 3 मिनट तक तो मैं रोई हूँ, क्योंकि मेरे को अचानक लगा और हड्डी पे लगा। और अगर चिकू पास में बैठे होते क्या वो मार खाते, क्या उनका चिपकती चकाचक वाली साहब रातें भी हो जाते। पर वो गुस्सा रोना, इतना गुस्सा भी आ रहा था और दर्द भी हो रहा था, तो वो रो के ही सारा दर्द गुस्सा सारा निकल गया, जोरदार हुआ आज तो। और ये इधर खोने में गोम्बा भी आ गया माथे में, इतना जोर से गिरा माथे पे, तुम आ जाते आज तुम रात भी आ जाते। मेरे पर्स जमा सकते अभी मैं मेरे सारे पर्स हैं वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो अलमीरा है वो पूरी तरीके से भर चुकी है। और मैंने एक चीज़ ये भी मंगवाई थी और ये भी मंगवाई थी जो कि मेरे पर्स में परमानेंटली रहती है, ये है एक तरह का सैनिटाइज़र जो हम वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं। हम जो लेडीज़ होती हैं उनको टॉयलेट सीट पर डायरेक्ट नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे होता है यूरिन इन्फेक्शन। ज़्यादातर औरतों को ये यूरिन इन्फेक्शन पब्लिक टॉयलेट से ही मिलता है, यानी इसके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। हम जब भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, इसके 5 सेकेंड पहले, जब यूज़ करने के 5 सेकेंड पहले ये सैनिटाइज़र है वो अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमारा जो फ्लोर है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है। ये बिल्कुल स्प्रे फॉर्म में डीओ जैसा ही दिखता है दिखने में कंप्लीट, और फ्रेग्रेंस भी इसकी अच्छी है, और ये कम्प्लीटली उस जगह को सैनिटाइज करता है। और इसको हमें पर्स के अंदर रखना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, लेडीज़ के लिए मस्ट है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, पॉकेट फ्रेंडली एकदम, हमारे बैग के अंदर अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको मेरे बैग के अंदर क्या क्या है वो चाहिए, यार फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, बाद में की और अच्छी आ रही है। चलो इस बार ये बात तो अच्छी है, फ्रेग्रेंस अच्छी है,
फ्रेग्रेंस तो काफ़ी अच्छी है, पर साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ मेरे पर्स के अंदर क्या क्या रहता है। अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मैं मेरे पर्स में क्या क्या रखती हूँ। और परफ्यूम कलेक्शन के ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ, मेरे पर्स में अगर क्या क्या है ये आपको जानना है तो इसके ऊपर आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो ले आऊँगी। और अभी आने वाली है बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़, नया नया सोच रहे हैं, बस टाइम की थोड़ी कमी होने की वजह से आपके लिए शूट नहीं हो पा रहा, बस अब तैयारी है ना। मैंने सोचा था कि सफाई नहीं करूं क्योंकि सुबह से हम सफाई में जुटे हुए हैं, पर मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो ना थक गए तो थोड़ा और थक जाते हैं, थोड़ा सा अलमीरा वगैरह हल थोड़ी बहुत जो ऊपर ऊपर की है वो क्लीन कर देते हैं। बस ये सारे मैं मेरे पर्स हैं वो यहाँ पर जमा दूँगी और इसी के साथ कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ, सब जने कमेंट में ये भी बताना कि आपके सभी घरों में अगर दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है या फिर नहीं हुई है। ओके बाय।